इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मूव करते हैं फाइल्स को और डायरेक्टरीज को। तो अभी हम लिस्ट करते हैं कि हमारे डायरेक्टरी में कुछ पड़ा हुआ है, नहीं है, तो अभी हम कॉपी कर लेते हैं पहले इसके अंदर पासवर्ड फाइल। सीपी किया, फिर ईटीसी पासवर्ड फाइल का नाम, फिर कहाँ कॉपी करनी है, करंट के अंदर कर लेते हैं, टेस्ट में आ गया। अब टेस्ट के अंदर अब हम दो डायरेक्टरी बना लेते हैं, एम के डी आई आर डायरेक्टरी आएंगे, उसका नाम रख लेते हैं पहली डायरेक्टरी का डी आई आर वन। एम के आर का मतलब डायरेक्टरी बनाना और आगे डायरेक्टरी का नाम डी आई आर वन, ये डायरेक्टरी बनी। एक और इस तरह बना लेते हैं, अब ये दूसरी डायरेक्टरी बन गई। तो अब हम लिस्ट कर लेते हैं कि ये दोनों टेस्ट में बन गई हैं कि नहीं, लिस्टिंग आ गई और पासवर्ड फाइल भी मौजूद है। अब हम इसको पासवर्ड फाइल को रीनेम करना चाह रहे हैं, तो ये मूव कमांड यूज़ होती है रीनेम करने के लिए भी। एम वी किया, फिर फाइल का नाम दिया पासवर्ड, तो इसका के न्यू नाम जो आप चाहते हैं न्यू नेम वाला यूज़ कर लो फन। तो अब ये क्या करेगा, ये पासवर्ड फाइल का नाम चेंज करके फन रख देगा। तो हम कौन सी डायरेक्टरी में टेस्ट में, उसी में रहेगी। तो एंटर कर देते हैं, फिर लिस्ट कर देते हैं कि चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं। अब देखेंगे डायरेक्टरी वन है, डायरेक्टरी टू है, अब पासवर्ड की जगह फन पड़ गई। अब हम क्या करते हैं, फन को कॉपी करते हैं डायरेक्टरी वन के अंदर। कैसे करेंगे, मूव किया, किसको करना है, फन को करना है, किस में करना है, डायरेक्टरी वन में करना है, तब ऐसे कर लिया। तो अब ये डायरेक्टरी वन के अंदर आ गई। अगर हम लिस्ट कैसे कर सकते हैं, एल एस किया, डिटेल में लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर आगे डायरेक्टरी वन का नाम दे दिया, तो ये डायरेक्टरी वन के अंदर फन पड़ी। तो ये इस तरह हमने मूव कर लिया फाइल का, पहले हमने डायरेक्टरी वगैरह पासवर्ड फाइल कॉपी कर ली, फिर दो डायरेक्टरीज कॉपी कर ली, डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली, फिर उसके अंदर हमने मूव कर दिया उसको फन फाइल को जिसको हमने रीनेम किया था। तो फिर इस तरह ये वो डायरेक्टरी वन के अंदर आ गई। अगर हम डायरेक्टरी वन को पूरा डायरेक्टरी टू में मूव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल मूव करना चाह रहे हैं जैसे डायरेक्टरी वन को किसके अंदर, डायरेक्टरी टू। तो अब ये जो है डायरेक्टरी वन के अंदर जो फाइल है फन, वो भी मूव हो जाना चाहिए डायरेक्टरी टू के अंदर। तो डायरेक्टरी टू के अंदर, डायरेक्टरी टू के अंदर डायरेक्टरी वन आ जानी चाहिए। तो डायरेक्टरी वन के अंदर क्या पड़ा है, फन फाइल पड़ी। करके देखते हैं, मूव का मतलब है मूव करना। मूव से ये होता है कि ये जिस चीज़ को आप मूव कर रहे हो ना, वो अपनी जगह से मूव होके दूसरे में चली जाती है और फिर उधर से पहली वाली जगह से वो डिलीट भी हो जाती है। इसे एंटर करके देखते हैं, और फिर हम लिस्ट करते हैं। तो अब बस हमारे पास डायरेक्टरी टू है। अब हम डायरेक्टरी टू का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग देखना चाह रहे हैं। एल एस मैं शो किया, एल एस ही खाली कर लिया, फिर आगे डायरेक्टरी टू। अगर आपने डिटेल में डायरेक्टरी लिस्टिंग नहीं है तो आप देखें, ये दिखा रहा है कि डायरेक्टरी टू के अंदर डायरेक्टरी वन भी मौजूद है। इसको आप डिटेल में भी यूज कर सकते हैं, एल एस डी आई आर एल एस डैश एल डी आई आर। ये दिखा रहा है कि डायरेक्टरी वन और उसकी सारी इंफॉर्मेशन के किसको कौन कौन सी परमिशन किस किस को है उसका, और फिर ये उसका जिसने बनाया है वो किसने बनाई है ये फाइल, और किस ग्रुप को ये परमिशन है, फिर उसका साइज़ कितना है, फिर उसका डेट एंड टाइम, फिर उसका डायरेक्टरी का नाम। अगर आप क्या कहते हैं, देखना चाहते हैं कि डायरेक्टरी वन के अंदर पड़ी हुई है कि नहीं कोई चीज़, यानी फाइल जो आपने रखी थी फन, आप इस तरह देख सकते हैं। ये किया फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर क्या पड़ी है डी आर वन। अब इसको एंटर करते हैं, तो आप ये डी आई आर वन के अंदर जो है उसका भी कंटेंट दिखा देगा कि उसके अंदर कितनी फाइलें या डायरेक्टरीज हैं। ये यहाँ नीचे गया तो ये दिखा रहा है डायरेक्टरी टू के अंदर जो डायरेक्टरी वन है इसमें क्या पड़ा है, इसमें ये वन फाइल पड़ी। अगर आपने रिमूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने फन को
के मूव करना है। आप ये पूरा पाथ देख के भी ऐसे एब्सोल्यूट पाथ देख के भी मूव कर सकते हैं, मतलब हम करते हैं आर एम लिखा, इसका मतलब था रिमूव करना। तो क्या किसको रिमूव करना, ये डायरेक्टरी टू के अंदर एक डायरेक्टरी है या ये आर वन, और फिर उसके अंदर फन पड़ी है फन का। अब हम देखना चाहते हैं कि रिमूव हुआ है कि नहीं, फिर हम वो लिस्ट कर लेंगे। लिस्टिंग किसकी करेंगे, डायरेक्टरी वन की। या पूरा पाथ आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट पाथ है, आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाके भी ये कमांड्स लिख सकते हैं। तो अभी हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, हम पूरा पाथ दे देते हैं कि डायरेक्टरी टू के अंदर डायरेक्टरी वन है उसके कॉन्टेंट लिस्ट करते हैं डायरेक्टरी वन में। फिर जब हम एंटर करेंगे तो उसके अंदर फन नहीं पड़ी क्योंकि हमने रिमूव कर दिया। अगर हम जैसे अभी लिस्ट करते हैं कौन सी डायरेक्टरी और डायरेक्टरी टू, आप डायरेक्टरी को एकदम डिलीट नहीं कर सकते। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए उसके अंदर फाइलें पड़ी होती हैं, पहले उन्हें डिलीट करना पड़ता अगर आप रेगुलर तरीके से आर एम लिखे तो। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है डायरेक्टरी को रिमूव करने का, आर एम डैश आर, और फिर हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले करता हूँ आर एम करता हूँ और फिर डी आई आर टू लिखता हूँ कि मैंने इसको डिलीट करना है। ठीक है, कैनॉट रिमूव डायरेक्टरी टू डी आई आर टू इज़ अ डायरेक्टरी, कि ये डायरेक्टरी है इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसमें कॉन्टेंट होता है तो फिर इसमें और भी फाइलें हो सकती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं रिमूव करना, तो आर एम डैश आर फिर डी आई आर टू लिख दें, फिर एंटर कर दें। अब लिस्ट करें तो अब देखें वो डिलीट होगी। अब डायरेक्टरी टू के अंदर डायरेक्टरी वन भी थी, वो भी डिलीट होगी।